बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा दावा किया है, जिसकी वजह से सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी पर हमला बोलते हुए सपा नेता ने दावा किया कि ब्राह्मण धर्म को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी इसे हिंदू धर्म मानती है, बीजेपी आदिवासी दलितों और एसटी एससी को हिंदू धर्म नहीं मानती और केवल ब्राह्मणों को ही हिंदू धर्म से जोड़कर देखती है। इतना ही नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव पर बात करते हुए सपा नेता का आगे कहना था कि हमारा गठबंधन इंडिया आगामी आम चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करेगी। जिस धर्म का बीजेपी जिक्र करती है वो कुछ और नहीं बल्कि हिंदू धर्म है। जब वे 90% आबादी वाले आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को हिंदू नहीं मानती, तो सिर्फ 10% लोगों के बयान से क्या ये हिंदू धर्म बच जाएगा? ये ब्राह्मण धर्म है और इसकी सर्वोच्चता बरकरार रखने के लिए वे आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का घृणित अपमान करते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से जब उनकी बेटी संगमित्रा के बयान पर सवाल किया गया तो मौर्य का कहना था, मेरी बेटी अभी भी राजनीति में एक नौसिखिया है और अपने पिता के बारे में बहुत कम जानती है। बीजेपी 40-42% वोटों के साथ सत्ता में आती रही है, जबकि बाकी के 60% वोट अलग अलग मंचों पर बढ़ जाते हैं। गौरतलब है कि मौर्य ने 2022 यूपी चुनाव से पहले साइकिल की सवारी कर ली थी, जिसके बाद से ही वो बीजेपी के खिलाफ मुखर है। हाल ही में उन्होंने बीजेपी पर ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर सांप्रदायिक भावना भड़काने का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से सियासत और गर्मा गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।